अगर इस वक्त जी हम आपको एक ऑप्शन दें जी वॉलंटरीली घर से एग्जिट करने का जी, क्या आप वो ऑफर ले लोगे? जी हाँ। राहुल को आप दोनों में से एटलीस्ट एक सदस्य से ज्यादा वोट्स मिले। चलिए प्लीज लीव द हाउस राहुल। मैं नहीं जानता कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। सॉरी सॉरी बिग बॉस सॉरी। राहुल वैद्य बिग बॉस के घर को राहुल वैद्य ने खुद से शो क्विट किया है। राहुल वैद्य घर से हो गए हैं बेघर। राहुल वैद्य निकल गए हैं। लेकिन ये क्या था कल? सोच रहे कि ऐसा कैसे हो गया? खुद ही छोड़ के चला गया। वो तो डिजर्व करता था इस शो में रहना। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी घर की याद आ रही है, अपने लिए होम सिक। इसमें ये नहीं है कि आप में कम कॉम्पिटिटिवशिप है या ऐसा कुछ। उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली है मोर देन कॉम्पिटिशन। राहुल वैद्य वीकेंड के बाद पे गए थे और उस वीकेंड के बाद की डीआरपी अब तक बिग बॉस 14 का जो सीजन रहा है उसमें सबसे ज्यादा रही, तगड़ी रही 1.8। वो महान है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो इतने बड़े मंच को छोड़कर अपने दिल की एक आवाज सुन करके वहां से जाने की कर रहा है और वो अपनी चाहे गर्लफ्रेंड से चाहे अपनी माँ से मिलना चाह रहा है और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो मेरी नजर में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा वैल्यू रखती है और मैं इस डिसीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ। राहुल ने जो भी किया वो सही था। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस तरीके से कोई घर से जाना चाहता और उसको जाने दिया हो। ठीक है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। मैं ये शो छोड़ रहा हूँ अभी। हम लोगों ने भी बहुत बार बोला कि हमें जाना है लेकिन बिग बॉस ने कभी ऐसे जाने नहीं दिया। तो राहुल वैद्य क्यों क्यों? राहुल वैद्य प्लीज लीव द बिग बॉस होम। सर मैं इसकी वजह थोड़ी इलैबोरेट करना चाहता हूँ। अब इसकी वजह की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने आपको ऑफर दे दिया, आपने ऑफर ले लिया। राहुल वैद्य ना संजू के विक्की कौशल थे, रणबीर कपूर नहीं थे। वो शोले के अमिताभ बच्चन थे जिसको मरना था, बिकॉज धर्मेंद्र अल्टीमेटली ग्लोरी लेकर जाएगा। राहुल वैद्य इनके लिए एक बड़ा कांटा बन चुका था, इसलिए वोटिंग ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि रूबीना को भी क्रॉस करके ऊपर जा रहा था, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी बन चुकी थी। राहुल खासकर रूबीना को चमकने नहीं दे रहा था बिकॉज वो उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा था बार बार। ये जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक चीज होती है ना, ये बहुतों को सीधा कर देती है, बहुतों को निकाल देती है। That is the whole expose of Bigg Boss 14. रूबीना के गेम खराब हो चुके थे, राहुल और उनको इतनी टेंशन नहीं मिली थी, तो अब चैलेंजेस के थ्रू उनका कद बढ़ाया जाएगा। लगता है कि राहुल वैद्य के जाने से शो की टीआरपी पे काफी असर पड़ने लगा है। इनफैक्ट राहुल वैद्य के बाहर जाते ही सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। बाहर निकला था पूरा देश पागल हो गया था। नो राहुल नो बिग बॉस सीजन 14। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं फिर कभी ना लौट के आऊंगा। अभी बाकी है कहानी पूरी दुनिया को सुनानी। अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। चलो आयो थे, एक गाना हो जाए, एक बढ़िया गाना। अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, प्यार मेरा हर एक से वफा करता है। नाइस थी, कोई बात नहीं। जूते का साइज क्या है? बड़ा। अगर आपको मुझे नॉमिनेट करना ही था तो आप बोल देती कि सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर को आप निकालना चाहती हैं। चलो तेजा, ये नहीं जम रहा, ये रोल मत करना कभी लाइफ में। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमने राहुल को पॉइंट दे दिए हैं। हेलो, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ आप सबके पास जितने भी गोल्ड कॉइंस हैं उन्हें स्टोर रूम में रखते हैं। सर क्या इजाज को दे सकता हूँ? You still don't understand. Yes, अचानक वो पहले से जाके उसको टॉर्चर कर रहा था। इजाज़ खान मेरे पे बात मत घुमाओ।
राहुल उनकी पुरानी टेक्निक है कि वो संचालक को उल्टा उल्टा बोल के प्रोवोक करते थे ताकि संचालक अपना बैलेंस लूज कर। जिस आदमी का माइंड ऑलरेडी घुमा हुआ हो वो किसी और का क्या घुमाएगा। अब है ना मजाक अपने पास रख, समझा? तू भी अपने पास रख। वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और तू दे रहा है। वो इजाज में टेढ़ा ही समझेगा बात। तेरे से पिटता है वो, मेरे से पिटता है। हम लोग अच्छे दिखते हैं, फिट है, हमारे सर पे बाल है। सीधा मैं बोलता हूँ, मेरे गैर हाजिरी में तेरी मर्दानगी बहुत फूट फूट के बाहर आ रही थी ना, देखा मैंने। चलना राहुल, एक सेकंड चुप रे। क्या बे, किसको बोला तू चुप? तेरे को बोला। मैं इधर हूँ, मैं बोला मजा आएगा खेलने में। तेरे मजे के लिए आया हूँ मैं इधर, तेरे मजे के लिए आया हूँ। ले 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 ले, सुनना, तेरा मजाक बनाने आया हूँ। क्या करेगा? तू आया ना मेरे पास तू आया ना मेरे पास, और तेरे पे बहुत रहम खाया था। उसके बाद जब तुमने आड़े चलाने शुरू किए ना मेरे भाई, ऐसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब इसका हो गया तब बोलता है बोल दे, वरना यही कूदेगा बीच में भौंकने। कुत्ता तू रहेगा, समझा? देख खुद भौंका, भौंका मैं गालियों क्या कर लेगा। अरे तू तो गालियों में वैसे भी बहुत माहिर है, पता है ना? तेरा मूड था मस्ती। हाँ मेरा मूड, हाँ तेरा मूड नहीं तो मस्ती मत कर। इजाज़ नहीं लगता। नहीं, उसके दिमाग में अपने ख्याली पुलाव अलग ही बनते हैं, वो उसकी गलती है, वो बात को अलग ही परस्यू कर लेता है। बट इवेंचुअली अगर उससे आप पीसफुली बात करो तो समझता है। तुझे यहाँ दो सबसे मैनिपुलेटिव लोग कौन लगते हैं कि एक बात का कुछ भी पतंगड़ बना के आपकी ऐसी की तैसी करने का मौका ढूंढते हैं? कलर्स के फेसेस, इनको ये फेवर करते हैं। मैं हमारे घर का नया कैप्टन अली गोनी को बनाना चाहता हूँ। अली, आपको अभी इसी वक्त कैप्टनसी से मुक्त किया जाता है। सर, मैं अपनी कमर टूटी लेके भागा इसके लिए, पता हो तो भागता ही नहीं। कलर्स की फेसेस, घर की कैप्टनसी जाती है रूबीना को। इम्यूनिटी स्टोन है रूबीना को। सीधे फिनाले वीक में प्रवेश रूबीना को। बिग बॉस विनर का टाइटल रूबीना को। ऐसे फ्री में कैसे दे दिया? ये हैरत वाली बात है। कलर्स की फेसेस, इनको ये फेवर करते हैं। जहाँ से हम खेल दिख रहे हैं वहाँ से ऐसा लगता है कि राहुल कृष्ण वैद्य ने रूबीना की फ्लाइट पकड़ी है। आपने उसको क्रश बोला? औरतों को क्रश होने में क्या बुराई है? मैरिड वुमेन बोलती है कि ओ सलमान खान यू आर सो क्यूट, कितने अच्छे हैं, क्या बुराई है? वो उसकी गंदी सोच है बाबू, लांछन लगाने वाला वो तू ही नहीं है। कितने चुंगलबाज लोग बैठे हैं अंदर यार, चुगलखोर। उसके लिए दो शब्द हैं, पेटी एंड क्रॉस। मेरी दो आज की फ्रेश हैं, तो बाकी जो बोल रहा है वो देख रहो। नहीं, अगर तुम्हें दो खानी है तो प्लीज एक पूरा। अरे वो हो गया है मेरा, आप मत बीच में पड़ो। मेरा निक्की के साथ खा रहा हूँ, अपना देखो, बोलने से कुछ नहीं होता। आप अपना देखो, मैं मेरा खा रहा हूँ ठीक से। मित्र राहुल कृष्ण वैद्य, मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है। यहाँ पे, यहाँ पे आपको ना बस मुद्दा चाहिए होता है किसी और के नाम पे, बस मेरे पे बाण चलाने का, चला लो ये, चला लो। लेकिन जो प्रॉब्लम, अरे आप शिक्षा निकालती हैं, आप कौन है यार, आप कौन है? चले जाओ अंदर। अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ यार, शिक्षिका आप अंदर जाइए। नहीं नहीं, यही पे करेंगे अभी। नहीं, राहुल वैद्य को सब पता है, सॉरी, यही कि बिग बॉस को बताते हैं क्या करना है। अरे भाई, यहाँ लोग बनने के लिए लड़ते हैं, आप हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वहाँ पे ऑडियंस आपकी फैन, अपने फैंस को। मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि मैं अननेसेसरी किसी के साथ उलझता नहीं हूँ, जब तक आगे से कोई चीज ना आए। मेरा पहला नॉमिनेशन है अभिनव, पिछले दो दिनों से इज बीन पिकिंग अप ऑन मी। हाँ। अभी वो तैयार होकर आएगा ना, बोलना यार बाथरूम साफ कर रहे हो। सारा कर दो, हाँ, प्लीज जाना है। सज गया है, अभी बाथरूम साफ करेगा। जो जैस्मीन का किस्सा था वो, उसको लेकर मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आपके पपिट मास्टर ने आग में और घी मिलाया। जबकि मैंने ये चीज बोली, आप
क्या बोला था इन्होंने, तू पानी फेंकेगी तो कुछ भी फेंकेगी, ये डिजर्व करता है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। इन्होंने किया क्या सर, कि मेरे ऊपर जो खुन्नस थी, जैस्मिन के कंधे पे बंदूक रखकर ही सही, मैं राहुल के लिए जो बोलना चाहती हूँ वो बोल सकती हूँ। इनफैक्ट अभिनव ने ये तक के कहा, मेरी सोच ये है कि बाहर की दुनिया में अगर साला कोई क्रिमिनल है तो हम उसको साइड में लगा देते हैं। वो इस घर में थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, ये बंदा डरता है। सो बेसिकली अभिनव को ये लगता है कि हम इस शो में क्रिमिनल्स को भर देते हैं रेटिंग्स के लिए। इनका बेसिकली ये है कि छोड़ दो ना बैग, छोड़ दो ना। एक काम करना, ए राहुल तुझे बैग चाहिए, ये ले, लेके चला जा, ये होता। सर रोमांटिक गाना थोड़ी गा रहा था। अब तो समझी कौन किसकी फ्लाइट में बैठ रहा है। हाँ। अब तो समझी समझी समझी। जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं मैं उन्हें बिरयानी वाली इज्जत कभी भी नहीं देता। तुम्हारी बीवी के साथ बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि उनकी और मेरी सोच जेन्युइनली नहीं मेल खा रही है। सब लोग नॉमिनेट करके ये बोल रहे हैं कि नथिंग पर्सनल, आई थिंक एवरीथिंग इज पर्सनल हियर। सब लोग अपने अपने पर्सनल चीज़ों के लिए आए हैं। आज बिग बॉस आप सभी घर वालों को एक कार्य सौंप रहे हैं, एक था राजा एक थी रानी। राहुल और रुबीना इस कार्य में एक दूसरे के विरोधी बनकर हिस्सा लेंगे। तो अब मैं भड़ूंगा। म्यूजिक बजाया जाए। एक था राजा, राजा हमेशा राजा होता है। एक थी रानी, राजा वापस आया, खत्म करेगा कहानी। ये इतनी शानी औरत है, इसको हर मुद्दे को अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको टर्न एंड ट्विस्ट करना आता है। 14 साल के इतिहास में एक कंटेस्टेंट बाकी कंटेस्टेंट के साथ नहीं खेल रही है, बिग बॉस के साथ खेल रही है। मेरे हिसाब से उनके दिल दिली नहीं है, उनके दिल फटे हुए हैं। आपका सफेद खूनी है मैं जानता हूँ, लेकिन जरूरी कि आपके दिल से भी सफेद खूनी। तो टॉलरेट आप, अच्छा तो दो ना, सोते रहो। आपके जवाब से मैं क्या डर जाऊंगा? अरे डरने वाले कुछ थोड़ी ना हो। Exactly, thank you very much. तीर बार। ऐसे दिलों को घर के बाहर ही फेंक दे। हम दिल के राजा हैं, हम दिल के राजा हैं। अगर दुश्मन आ गए तो वो भी हम दिल से करते हैं। चार ऐसी चीजें जो मेरे बारे में तुम्हें खलती है। आप इसका ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड इसी ने बनाया। मेरे हिसाब से जितना छोटा उनका दिल है उससे भी छोटी इनकी परफॉर्मेंस रही है। You want to win with two gonies? You want to lose with one gonie? तो चार ऐसी बहुत अच्छी चीजें जो मेरे बारे में बिल्कुल भाती है। आपसे कोई चीज भाई नहीं सकती मुझे। प्रजा है, मैं उनको वर्कर्स नहीं बोलता। आपने वर्कर्स बोला, ये दिखा रहा है आपका गुरूर। कमन शब बनाए तुम जैसे लोगों के लिए, मां कसम। रुबीना आप बोलती जाए, क्योंकि मेरा नाम लिया था रुबीना जी ने। मेरा जवाब उस बात को लेकर यही होगा कि एज ऑलवेज इनकी बातें बहुत बोरिंग और इलॉजिकल लगी मुझे, जिनका कोई तुक नहीं लगा मुझे। बोलने को बहुत कुछ है और बोला भी है। शॉर्ट है तो बोल दीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा है कि इनका गेम का पैटर्न बता सकता है? राहुल, जब तक कोई इंसान इनके साथ सही है तब तक वो अच्छा लगता है। जैसे इनके फेवर में कोई चीज ना बोलो तो इनको टाइम नहीं लगता इसके ऊपर चढ़ने को। राहुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं सच में बहुत समझदार समझती हूँ रुबीना जी आपको। अरे आप गलती आपकी, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग यू एवर। अरे भैया यहाँ पे लोगों का जो बुरा रूप है वो झगड़ों में ही तो निकलेगा। और हु आर यू टू टेल मी व्हाट इज फॉल्स? आई विल से व्हाट आई फील लाइक। कान तो साफ हो जाएंगे, दिल का मैल कैसे साफ करोगी? हमारे आपस की बात है तो बीच में बात ना करो, बीच में ना करो। अरे भाई ये आपस में निरीक्षण की बात है। सस्ता वकील, फ्री के वकील, कूद पड़े पप्पू सिंगर। चल मैं सिंगर तो तू है क्या? मैं कुछ नहीं हूँ। करता क्या ये तो बता, तू नल्ला है मेरे भाई। या, या, या। अरे चौका नहीं बचता, अच्छा बिना बल्ले के। आओ मिलाते हैं हम आपको पहले नल्ले। मेरा सर ऑनेस्टली बहुत इरेलेवेंट आदमी है ये। इसके लॉजिक ना ये खुद के लिए अपनाता और अपने लॉजिक ना फूटता है लोगों के ऊपर। क्योंकि अगर तेरा स्ट्रांग ओपिनियन होता तो तुझे लोग हेट करते, और जिसका कोई ओपिनियन नहीं होता उसको कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं होता। अबे चल मैं इस पार्ट पे चला था, मैंने कि यार पे ही रहना करे, यहां क्यों आया तू? आपने मुझे वायलेंट मैसेजेस भेजे थे। इतनी ही हिम्मत होती तो अकेले खेलते दोनों, एक भी नहीं झुंड में आए।
दोनों तू उनको अच्छे से कर, लेकिन ये है कि दो दो आते ना तो छोड़ना आने। अरे दो तीन आए, दस आए भाई। अली पति भागा फिर बीवी भागी, फिर पति भागा फिर बीवी भागी, ऐसा तो खेलते हो अकेले खेलो। मेरी प्रजा देखो कितनी शांत बैठी, कोई बोल नहीं रहा मेरे लिए। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेला अकेले बात करता है। पहली बार और सर मैंने अभिनव को कमेंट इसीलिए कहा था, ये आपके सामने जीना जैसा एग्जांपल है। यहाँ पे उनसे बात नहीं हो रही, बट उनको किसने कहा उनका रिप्रेजेंटेटिव बने? रुबीना के बेटर हाफ या वर्स हाफ, आप रुबीना के माउथ पीस ना बने तो बेहतर। कुत्ता जो है ना वो गाड़ी के पीछे कितना भी भाग ले। रूबी का पड़ा खाएगी। ए रूबी 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 दिमाग का यूज कर भाई। सिंपल सी बात है, अगर दिमाग का यूज करती तो तेरे से शादी करती क्या? नहीं करती ना। तुझे पूरे कास्ट में कुछ किया नहीं है ना, अभी बीच में मत कूद। तुझे लग रहा है? हाँ मेरे को लग रहा है। चल थैंक यू ब्रो। सबसे बड़ा सरप्राइज, उनको लॉक बांध दिया गया। चलो ऑफ 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 हो गया, हो गया, भागो यहां से। 5 minutes later. इसकी चाबी किसके पास है? Because they have used their lock to tie our phone. यही तो दिमाग है? नहीं तो ये नहीं हो सकता यार। तू चाबी दे। वाह वेरी गुड। अब बैठे-बैठे मजे, अब बैठे-बैठे मजे लेते हैं। आजा आजा चेयर लगा। बोल तुमको जीतना है ना, जीतो जाओ। संचालक दिख रहा है इंटेक साइकिल है। नहीं दिख रहा। सीट इंटेक्ट नहीं है, हवा नहीं है, लड़ते रहो तुम। जिसमें सीट है ही नहीं, एक डंडा है। Who is going to be comfortable sitting on a danda and enjoy that danda? सीट के बिना, हाँ बिना सीट के बिना। मैंने पूरा जोश से मैंने हाँ तुम्हारा जोश पता है भाई, रहने दे। कोई एलियंस को ही समझ में आता है वो। चलो ये लो, बजाओ ताली, राखी बजाओ, अच्छी ताली बजा, दे दो ताली बजाने, ताली बजा। चलिए इसको 10 रुपए, उसको 10 रुपए दे देना। मेन कैन नॉट टेक पावरफुल विमेन। एक औरत ने एक औरत की आप ये वो मत कीजिए। गर्ल पावर मन करता है तब औरत और मर्द, जब आपका मन करता है तब नारी शक्ति। आप फेमिनिज्म लेकर आ रहे हैं, आपका तारीफ ना फेमिनिज्म का झंडा। आई थिंक मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस घर में आई डोंट थिंक सो औरत और मर्द वाला ऐसा मुद्दा उठता है। लड़का बोले तो धमकी और एक औरत वही चीज करे तो रिक्वेस्ट। विमेन टू विमेन यू कैन जस्ट डू एनीथिंग। राहुल का रवैया औरतों के प्रति थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। मैंने आपको अग्रेसिव होते हुए देखा मेरी वाइफ के साथ प्लस अ वुमन के साथ। तुम खुद बोलो तब बात सही है, कोई और बोले ओ आप औरत को बदनाम करें, घर तोड़ रहे। मैं आपके लिए औकात निकालना एक औरत का एक मर्द को बोलना चुचुंदर है। आप मेरी बेइज्जती करते हो, मैं आपकी इज्जत करता रहूं, काय की रीत है भैया। रुबीना वहां जाना चाहोगी? वहां पे यहां पहले थे। ठीक अभिनव, व्हाई डोंट यू स्टैंड दैट साइड एंड वो यहां इस साइड आ जाए। ही डोंट वांट टू डू दिस। ये बाद में बोल सकते हैं ना कि इसको धक्का मारा। मैं लड़का होती तो मैं बोलती मेरे वाइफ को कि भाई तू इधर ना, मेरे को आने दे, है ना। मुझे भी लगा अगर अली होता तो मुझे बोलता कि जैसे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो बहुत अच्छी बात बोली अभिनव, व्हाई डोंट यू कम हियर। बट नहीं, ये चाहता है कि वो वहीं रहे, फिर बोलेंगे ओ रुबीना मेरे मुंह के पास ये कर रही थी। रुबीना पहले बोलो मुझे अली के साथ वो जूनियर अली बना, दैट्स अ मैन क्रश। सीधा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ शोविनिस्टिक। दैट्स ओके, आप में इंफीरियोरिटी आप में। आप किसका भी नाम लो, राहुल वैद्य, ए वो ऐसे छिछोरा, वो छपरी छाप ठरकी,
ठरकी, यही कमेंट्स आएंगे। ऑफ कोर्स निकी, ऑफ कोर्स। तुम ठरकी है? मैं हूँ। हाँ। यही तेरी गंदगी है राखी, यही तेरी गंदगी है। गंद। नीच। वाहियात औरत। बदतमीज औरत। गंद। मेरे बीच में। गंदी दिमाग वाली औरत। औरतों की इज्जत करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका आप मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि अगर मैं इज्जत नहीं करता तो मेरे ऊपर केसेस होते, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बिकॉज क्या है कि अगर पर्सनल जाने की बात हो जाएगी ना तो बहुत खराब बात हो जाएगी। ये कार्ड अभी कोई बंद कर दो इस घर You know, कमाल की बात क्या है रुबीना एंड अभिनव, खुद की खामियों को नजरअंदाज करके दूसरों के सही में गलत क्यों ढूंढो? टाइम लूप वाले टास्क में आपने राहुल को गेम से आउट कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना रीजन बताया, अरे मैंने चाय बचाई, अन्न का रिस्पेक्ट किया, तो आप और रुबीना उस पे हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। आपका बचाना बचाना, इनका बचाना ना बचाना, आप सिलेक्ट हो, और यहाँ पर आपके सामने ये हादसा हुआ, ये वाकया हुआ है, और आपने बोलना बिल्कुल ही जरूरी नहीं समझा। तेरे में तो हिम्मत नहीं है कि तू अपने पार्टनर को इस शो में लेकर आए। राहुल की गर्लफ्रेंड को बिना वजह बातों में घसीटा, जिसका इस शो से कोई लेना देना ही नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड इस शो में नहीं है, तुम दोनों। जब निकी की बदतमीजियां आती है तब आपके आदर्श और आपके वसूल कहाँ चले जाते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ बच्ची है। जब पहले वो बदतमीजी करती थी तब आपको 23 साल की बच्ची नहीं नजर आती थी? निकल, अभी बेवकूफ लग रही हो। तुम क्या हो? पागल? पागल हो तुम, पागल। पति को डोमिनेट करो, उसको बोलो, ऐसा बोला तुमने? मैं कितना दर्द से हूँ, मैं कितना दर्द से हूँ। ये देखिए एक्टिंग, ये देखिए एक्टिंग, क्या है ये? राहुल सर, आपको एक सेकंड के लिए भी राखी की कहानी फेक लगी? सर कहीं नहीं सर, एंड मारा कि मुझे सुनाया गया कि मैं मेरा थूका हुआ चाट रहा हूं। एग्जैक्टली आपके इमोशंस, इमोशंस और इनके इमोशंस कंटेंट। शर्म की बात ये है, जब आप कर रहे थे ये, तो कुछ लोगों का मानना ये था कि राहुल भी अब सिंपैथी गेन करने की कोशिश में है। मुझे पता, आपकी इनसिक्योरिटीज कितनी बड़ी हैं, आपकी गलतफहमियां कितनी बड़ी है। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तू अंदर जाके रो रही थी इसलिए, अंदर जाके इसलिए रो रही थी तू? अब शो छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ काम नहीं करना है, इसलिए बोलती हूँ भाग। I want to go home right now. मेरे को घर जाना है, मेरे को घर की याद आ रही है। वो दैट मेड, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। दूसरों को नीचे खींच रहे हो ऊपर जाने के लिए, कोई पहुंच पाया है? अभिनव और रुबीना के माँ बाप को भी क्या लग रहा होगा? मेरे को वो सोच के रोना है। निकी सब कुछ कर, सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचा। वो क्या सोचेंगे, उनको क्या फोन आएंगे अगर जब वो सुनेंगे, तो उनको कौन होगा समझाने के लिए? राहुल यार बेबी तुझे क्या हो गया? एक माँ के बगैर जिंदगी काटना क्या होता है, ये शायद माँ मेरी माँ सोचता हूँ दिल में, मैं नहीं बोल पाऊंगा, या वो नहीं बोल पाएंगे जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तुम्हें बहुत याद आ रही है ना अपने मॉम डैड की? जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि फोन के बगैर एक दिन भी रह सकता हूँ। रिलीज हाय, बहुत मिस करते हैं तुमको। रोता हूँ तुम रोती हो, मेरे हंसने पे तुम हंसती। कोई कुछ भी बोले पर तू शेर है, याद रखना। थैंक यू। बस वैसे जैस्मीन को भी मैं करना चाहूंगी। क्या बहुत अच्छी लगती है मुझे, खूबसूरत है वो, है ना? एकदम से बहुत प्यारी से तैयार होती है। तो छोड़ो उसको जाने देते हैं। नहीं ऐसे नहीं, एक अपनी पसंद बता रही हूँ। सावली सी, सुंदर सी, बहुत सुंदर लगती है। ओके ओके, ठीक लगती हूँ तेरे साथ में। हाय, लाइक दिस। मेरे साथ मैंने तुझे बोला ना, अगर तू मेरे भाई की वो नहीं होती तो मैं तेरे को चांस जरूर मारता। जैस्मिन के साथ रिश्ता बना है बिकॉज ऑफ अली, वो मेरे लिए स्पेशल है। मैं भी कोई चाहता हूँ जो मुझे ऐसा हाथ पकड़ के समझाए। अली या राहुल, समझ
एंड कंट्रोल योर टेंपर। ऐसे नहीं जैस्मिन, हम किसी की ख्वाहिश नहीं जरूरत बनना चाहते हैं। दिशा का टट्टा भी बाहर चमक रहा हो। मैं फिलहाल आपकी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ दिल से। यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी है तू और मैं, मेरी प्रायोरिटी है ये और तू, तेरी प्रायोरिटी में ये और कोई और अभी ना आ रहा है, वो फर्क है। अगर मेरे लिए अली के बाद इस घर में कोई इंसान है हुआ है लुक अप टू, वो अभिनव है। अब वक्त है इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया का। मैं राहुल वैद्य को सुरक्षित करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है। मेरा घर का सबसे पहला रिश्ता अली गोनी, मेरा दूसरा नाम वो है निकी। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सपोर्ट करती है। एक जैस्मिन, दूसरा नाम राहुल वैद्य का देना चाहूंगा। आफ्टर अली जिन्हें मैं सुरक्षित करना चाहूंगी वो है अभिनव। If there's somebody जिनसे मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है वो अभिनव है। जिसको मैं सेव करना चाहूंगा वो है राहुल महाजन। जैस्मिन जिसको इतना प्यार करती थी, बचाने की जब बारी आई उसने उसको भूल गया और मुझे बोलता है I thought you were doing it। चला राहुल तू करेगा। राहुल कहाँ से आ गया बीच में यार? जैस्मिन का इस घर पे सबसे पहला रिश्ता कौन है? उसको छोड़। उसको कैसे छोड़? तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुमने मेरा नाम लिया, तुमने मेरा नाम लिया ना? प्रॉब्लम Jasmine. Yes, sir. Sorry, baby. Jasmine. Ali. Ali, put the samal. Aap uska khayal rakhna raho. Ali. Ali. Cigarette nahi. Bhai, main uske liye aaya tha yaar. Yaar, ye nahi hai. Rahul nahi hai. Rahul nahi hai. मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूं मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन अब लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अगर किसी ने दिल तोड़ा तो अभिनव आपने। राहुल बाहर जाके जब सब देखा समझा, अफसोस हुआ, काश तुझे प्रायोरिटी बनाया होता, काश तुझसे वो दोस्ती करी होती। और मुझे तुझसे बहुत जलन होती है, अली को तूने छीन लिया है मुझसे। इसके पहले तुमने क्या लाइन बोली थी? उसकी खुशियां तुमसे ही जुड़ी हैं। उसकी सांसें भी चल रही है तुम्हें देखकर। एक मिनट। उसकी खुशियां पलकों से लेना खून तक। नाखून बड़ा गंदा लग रहा है। सिर्फ अली और अली, अली। राहुल आपने अली और जैस्मिन के प्यार को सेलिब्रेट करते हुए उनके लिए गाना बनाया था। तेरी आंखें मुझसे है जुड़ी, मेरी सांसें तुझसे है मिली। तेरी आंखें मुझसे है जुड़ी, मेरी सांसें। सर ये गाना हमने जेल में बनाया था और इसके क्रेडिट्स राखी सावंत को जाते हैं। पलकों से लेकर कदमों तलक। जैस्मिन प्लीज, अली प्लीज, तेरी सासू माँ के गई। क्या है कि मेरे को मेरे भाई को जिताना है, तेरा मसाज भी करूंगा देख। इसको खाड़ के फेंकना है मुझे। इसको मेरे को हाथ मत रख। अरे वो जो पीछे तेरे पीछे जो नल्ला खड़ा है, जो ऐसे चम्मच चिल्ला रहा है, चाट लूंगी। आज फर्स्ट नाइट। नहीं,
पागल हो गए क्या दिशा के प्यार में? देख जवाब तो दे, एक किसी साइड कर दे मेरे को। या तो और राहुल वो जवाब आया? सर जवाब तो नहीं आया। हाँ कैसे आता, थाईलैंड गई है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। नीति देख उसकी याद में मैंने ये अंगूठी भी पहनी है। या फिर यू वांट मी आल्सो रिक्वेस्ट प्लीज। ओके व्हाट इज हर नेम? दिशा परमार। दिशा परमार प्लीज टेक योर टाइम एज मच टाइम एज यू वांट, सोच समझ के डिसीजन लेना। इतना एहसान कर दो, प्यार करो तो ऐसे करो ना, दिल खोल के टी-शर्ट में लिख के बिग बॉस में जाके। अगर आप उसको इंस्टाग्राम पे एक डीएम मैसेज कर सकती हो तो प्लीज कर दो, एंड हर फोटो पे कमेंट करो जाके कि दिशा आंसर, दिशा आंसर। दिशा बोल रही है, कौन बोल रहा? तुझी गर्लफ्रेंड रे बाबा। अरे यार आसान कर दो राहुल, अभी तेरा मूड सही होएगा, ले लो। ओह गॉड थैंक यू फॉर दिस विकास। अबे मुझे देना एक नीला दुपट्टा। शायरी कब मारी थी मैंने तेरी आंखों की, तेरी आंखों की नमकीन मस्ती। अरे यार अब मैं सोचूं जवाब क्यों नहीं आ रहा है यार। याद तेरी चाहिए टुकड़े हुए हजार हो गए बहुत सारे। जब भी मैं अकेला होता हूँ जुप करके वो थॉट आता है, जब भी दिशा जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना। हेलो एवरीवन, तो जी तू दिशा एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? राहुल वी डू नॉट हैव एनी चॉइस बट टू गेट दिशा, प्लीज वेलकम दिशा। दिशा मुश्किल आसान कर दो। ये दिशा कहीं अलग दिशा में तो नहीं चली गई? तेरा जवाब जो आज तक नहीं आया तेरी खुद की ज़बान की वजह से, because you are a misogynist, you don't respect women, that's why a woman answer you back। इस जगह गई प्रपोज तो कर दिया बट फिर ना यू एंड अप थिंकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स फर्स्ट। आई हैड अ वीक मोमेंट, इमोशनल मोमेंट। सर उससे कहिए आधे आधे घंटे के लिए अगर आके मिल सकती तो बहुत खुशी होगी मुझे। अरे यार अरे आई एम फाइन, आई एम फाइन। तेरे बिन अब न लेगे एक भी दम। राहुल आई स्पोक टू अमित, तुझे कितना सो ही सच इज गॉन। एनीवे सो राइट नाउ जस्ट प्रिटेंड एवरीथिंग इज ओके। राहुल जी सर, तो थोड़ा सा बैंड बाजा हो जाए। जी सर, यस जस्ट फॉर द माहौल। दिशा विल यू मैरी मी? यस आई विल मैरी यू, not wait to start my life with you। aap log muh mila ke chali bye 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 congratulations। rahul जी आपकी गेम कहीं खो चुकी है। आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थॉट। राहुल वैद्य जेन्युइनली दिल का अच्छा लड़का है। लोग लड़ते हैं, ये नॉन स्टॉप लड़ता है, लेकिन कभी मेरा दिल नहीं दुखा इसकी वजह से। बंदे आ रे बंदे आ, अपने
अपने दुश्मन की भी ना अगर कोई कमजोरी है वो उस पर कभी अटैक नहीं। इसके साथ तो दिल दुखाने वाली कभी बात नहीं थी। किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में, किसी भी ऑल्टरकेशन में मैंने किसी की भी कोई पर्सनल बात नहीं लाई है। राहुल जी सर, सिर्फ आपसे यही कंफर्म करना था कि आप कोशिश भी नहीं करना चाहते थे ना? रुक जा रे बंदिया। सर आप प्लीज इसे गलत ना समझें, मुझे जो लगा वो मैंने किया सर। बात समझ बंदिया। इसी शो में मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें मौका मिलेगा उल्टा करने का, और तुम करोगे और तुम जीतोगे, और यही गारंटी होती है इस शो का। सबसे ब्रिलियंट जो चीज होती है वो ये होती है। एक ही इंसान है जिसके ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यूज एकदम क्रिस्टल क्लियर थे, और वो है राहुल वैद्य। थैंक यू सर। किसी का भी हो, राहुल वैद्य ने सबसे ज्यादा स्टैंड लिया। ए राकेट, मुझे कुछ भी करने के लिए बोला है, कुछ भी के नाम पे अगर मैं ये फाड़ देता हूँ। बहुत ही सही तरीके से जाके सही चीज समझा रहे थे लोगों को। अगर गालियां आप उसको दोगी तो आप बुरी लगोगी, चाहे वो कोई भी हो दोस्त हो। It was designed for you both to play against. Yes. But you बोलता नहीं मेरी स्टाइल है। दुश्मन हो। जो भी उसने गाली बोली तू गाली दे, बट खानदान पे कैसे गई तू? रुबीना is absolutely right. Exactly. हर सिचुएशन के अंदर आपका नजरिया बिल्कुल सही था। जो मेरा कमेंट था कि आप तो अपने पत्नी के नहीं हो पाए, वो इस शो से रिलेटेड है। और राहुल जब राखी आप पर चिल्ला भी रही थी तो चुप रहे, वो तो मेरी दोस्त भी नहीं है, आपने उनको शांत किया और समझाया। पारस कैन बेंड थिंग्स अकॉर्डिंग टू व्हाट ही वांट्स। मैंने टास्क से पहले तुझे क्या पूछा था? मैं एंड में देखूंगा कि किसकी बैरल में गोनियां हैं। और तुम कैसे खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, आई डोंट केयर। ओके भाई डन। रोत लो इनसिक्योरिटी। अभी कोई इंसिक्योर होगा ऐसे होगा, कॉन्फिडेंट होगा, दोनों एक तरीके से इंसान हो सकता है। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी होंगी। राहुल 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 ठीक है राहुल। अच्छा आप लोग लगे बड़े स्वीट थे, आते ही बड़े अब नहीं लग रहे हो। फिर भी तू जीता यार। 14 ऊपर हूं। फिर भी तू जीता। बोलना दुनिया को। झूठ क्यों बोलता है? तू जीत गया। अरे ये क्या करते हैं? ये कैसे होते हैं? कैसे लोग हैं यार? सही है भाई। अली भी तो अपना गेम खेला था ना भाई। अली तू इधर आना यार, क्या कर रहा है उसको देख सिर्फ। अली तू क्या प्यार से समझा रहा है उसको? अली का जोन नहीं चल रहा अभी। अली बस क्या भाई, बस ठीक है देख रहा हूं मैं। चल अली पूरा लफड़ा झगड़ा सब करते वक्त पे बहन भी बना ले। टारगेट तू हो। मैं अंधा घोड़ा नहीं हूँ कि कोई मुझे बोले वो ऐसा है वो वैसी है उससे बना के रख। सॉरी सर होता नहीं है। वो उसकी गेम है ना। हाँ मेरा दोस्त है, जैसा भी है मेरा दोस्त। सही बात, मैं उसे प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। अगर गेम की बात है ना भाई तो मैं अली का डिस्ट्रॉय करने के तैयार हूँ। पागल है तू? नहीं मगर अरे नहीं मेरी भाई, नहीं 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 नहीं, तू कैसे सोच भी कैसे सकता है ये भाई। नहीं तो फिर हम रुबीना का नहीं, रुबीना का फेंकते हैं। नहीं फेंकेंगे, नहीं फेंकेंगे, अपन अपना खेलते हैं। ठीक है रहने दे। मैंने इस घर पे भरोसा किया है पहले दिन से आज तक, तो वो सिर्फ अली को नहीं रही। अब इसके ये बोल सकते हैं यार तुमने कार्य अच्छे से नहीं किया, क्या करूं, इसकी बातें ऐसी कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा। और राहुल जिन्होंने 35 मिनट और 57 सेकंड जो इंसान सबसे पहले रेड बॉक्स के अंदर आया है उसका नाम है राहुल कृष्ण वैद्य। बात करते हैं हम, दुआ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं और उनका चर्चा भी नहीं हो रहा। राहुल कृष्ण वैद्य एक क्वालिटी जो इस सीजन में बहुत कम देखने को मिली वो है हमदर्दी, वो इस बार हमने आप में देखा। थैंक यू सर, थैंक यू, मींस अ लॉट। रियल वाली हमदर्दी, कोई कंटेंट वाली नहीं। मैंने राहुल आपको यहाँ पर आके चेंज होते देखा है, वो कहते ना डाउन टू अर्थ। गलती करते हो इंसान हो तो अपोलोजाइज कर दिया करो। रुबीना दिलेक प्लीज अनाउंस राहुल कृष्ण वैद्य और अली गोने। बिग बॉस राहुल के जज्बे की सराहना करते हैं और उन्हें पूरी मेहनत से इस कार्य में टॉप पर पहुंचने की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, मेरे हिसाब से इस घर में अगर कोई रॉकेट है तो वो है
राहुल। मुझे जिस वक्त जो सही लगता मैं करता हूँ, फिर वो किसी के खिलाफ हो या किसी से संधि का। पारस जैसे हम लोग देख रहे थे आप बायस थे। कुछ चीजें ना जिंदगी में सिंपल ही होती है, उसको सिंपल ही रखो। यू मेंटेन योर डिग्निटी, आई एम प्राउड ऑफ इट। राहुल जी सर, hats off to you. You've earned a lot of women ka respect and you've inspired a lot of young men. Bhai, kaabile tareef. Thank you. Heart feelings, all right? Yeah, yeah. Kuch bhi unintentionally hamare maa baap ko, hamare sabhi ghar walon ko. Inki kala jo hai bhedbhav nahi dekhti hai. You don't think about him. Haan, ye dil ke saath hai. Would you give me a hug? I love you, bhai. I love you too. थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई। राहुल तूने हार के भी जीत लिया। बाजीगर मैं बाजीगर, ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर।